भाजपा नेता रमेश गंगवार ने गुरुवार को नवाबगंज विकास खंड के करीब एक दर्जन गांवों में जनसंपर्क कर लोगों से समर्थन मांगा। जनसंपर्क के दौरान नवाबगंज में बड़े समाज सेवी के रूप में पहचान बना चुके भाजपा नेता रमेश गंगवार का लोगों द्वारा फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। समाज सेवी और भाजपा से टिकट के प्रबल दावेदार रमेश गंगवार ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पार्टी समर्थकों के साथ नवाबगंज विकासखंड के लगभग एक दर्जन गांव सिजौलिया, अख्तियारपुर, पंडरी, पंडरा, भक्तिपुर, दावीखेड़ा, डांडिया, वीरम नगला, नवदिया, गंगापुर, सैदुपुर आदि गांव में जनसंपर्क किया। रमेश गंगवार अपने समर्थकों के साथ जिस गांव में भी पहुंचते वहां उनके स्वागत करने और उनके साथ फोटो खिंचवाने लेने के लिए लोगों में होड़ मच जाती। जनसंपर्क के दौरान रमेश गंगवार लोगों को सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए लोगों से भाजपा को वोट करने की अपील की। जनसंपर्क के बाद मीडिया से बात करते हुए रमेश गंगवार ने कहा कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी वह और उनके समर्थक पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ पार्टी को जिताने का काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उन्हें नवाबगंज से प्रत्याशी बनाती है तो मंडल में सबसे अधिक वोटों से जीतकर पार्टी का झंडा लहराएंगे। शुक्रवार को भाजपा नेता रमेश गंगवार ने भतपुरा विकासखंड के भी लगभग आधा दर्जन गांवों जावेदा, जवेदी, मटकुला, आनंदापुर, माधोपुर, चिठिया, रहमत अली, कुलुआ, गुलरिया, लेखराज में जनसंपर्क कर लोगों को सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए दोबारा से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनवाने में सहयोग करने की अपील की। बरेली उत्तर प्रदेश से अखलाक अंसारी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। रमेश भाई, आज एक दर्जन गांव के करीब आपने जनसंपर्क किया है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, बहुत लोगों की ये इच्छा है कि हमने अभी रमेश जी को देखा नहीं है, फोटो में ही देखा है, तो हमने यही सोचा कि भाई अब गांव-गांव निकला जाए। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि सब लोग क्षेत्र में रहें, तो इसलिए आज से हमने ये तय कर लिया है कम से कम रोज़ 8 से 10 गाँव का हम भ्रमण प्रतिदिन किया करेंगे। 250 शादियाँ अभी कुछ देर पूर्व आपके द्वारा कराई गई, उसके बाद ये पहली बार आपका गांवों में भ्रमण है। जिस तरह से आपका गांव-गांव हमने देखा, स्वागत किया गांव वालों ने बड़ा ही जोश के साथ, क्या कहना चाहेंगे? ये लोगों का प्यार है, वो है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, तो अगर हमने लोगों के साथ अच्छा किया है तो लोग उसके बदले में हमें प्यार बाँट रहे हैं और हमारे साथ दिल से आस्था लगा रहे हैं उनकी। रमेश जी, जैसे कि अभी भाजपा की टिकट की सूची जारी नहीं हुई है, लेकिन आप और आपके समर्थक काफ़ी उत्साहित हैं, पूरे जोश में हैं, लगता है कि कल चुनाव हो जाए तो लाखों वोटों से आप जीतेंगे, क्या वजह है, क्या लगता है आपको टिकट आपके होने जा रहा है? नहीं, ये पार्टी तय करेगी और पार्टी जिसे भी टिकट देगी हम और हमारे सारे कार्यकर्ता उसको जोशों खरोश से लड़ाएंगे, पूरा उसका साथ देंगे। भाजपा को जिताने के लिए, उसकी नीतियाँ जन जन तक पहुंचाने के लिए आप गांवों में निकले हैं, कहना चाहिए? बिल्कुल। इसके साथ ही जो विरोधी हैं आपकी, आपने उनसे सवाल किया था कि 250 शादियों की जगह 1-2 शादियां कराएं, अभी तक तो वो नजर नहीं आ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, हम तो किसी के लिए कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, लेकिन वही लोग कह रहे हैं कि हमने उनकी रैली का रिकॉर्ड तोड़ दिया, उनकी हमारे सामने भीड़ कुछ नहीं, तो हमने इस बात पर उनका ये जवाब दिया था कि भाई अगर उन्होंने रैली का रिकॉर्ड तोड़ा है तो हमारे फिर वो सारे रिकॉर्ड तोड़ें, लेकिन अभी तक हमें लग नहीं रहा कोई भी रिकॉर्ड हमारा टूटता दिखाई पड़ रहा है। अगर टिकट मिलता है तो किस तरह की जीत आप मान रहे हैं? इस मंडल में सबसे बड़ी जीत नवाबगंज में होगी, सबसे बड़ी जीत होगी, आप पूरी तरह आश्वस्त हैं जीत के? बिल्कुल, ये जनता का प्यार, स्नेह और इन लोगों का जो साथ और जो ये कदम से कदम मिला के हमारे साथ चल रहे हैं, तो हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि इस बरेली मंडल में सबसे बड़ी जीत नवाबगंज में भाजपा की होगी। आज हम आपके सामने बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं इसी गांव के, अगर गंगापुर की बात करें तो दोनों ही विरोधी, एक हमारे प्रधान है, दूसरे प्रधान जी हमारे हारे हैं, दोनों ही कांधे से कांधा मिलाकर आपके साथ जुड़े हुए हैं। ये हमारा दोनों लोगों के साथ प्यार, और हम दोनों लोगों को कहीं ना कहीं भाई ये कभी नहीं चाहते ये इनका नुकसान करें और ये उनका नुकसान करें, तो इस तरह से इन दोनों लोगों ने जो हमारा व्यवहार और प्यार देखा है तो इसलिए ये दोनों लोग हमारे साथ। रमेश जी, आखिरी सवाल बस यही है कि नुकसान की बात कही, इन्हीं दोनों के लिए नहीं, हमें लगता है विधानसभा में शायद आपकी सोच नहीं रही, बहुत लोग आपके साथ जुड़े और आपसे फायदे लेकर अपने काम करा के निकल गए, और लेकिन आपने उनका ही नुकसान नहीं किया, तो विधानसभा के लोग का क्या नुकसान करेंगे आप? ऐसा है, हम ईश्वरवादी आदमी हैं, हम ये जानते हैं अगर हमने किसी के साथ अच्छा किया है तो ऊपर वाला देख रहा है, और हमने किसी के साथ बुरा किया तब भी ऊपर वाला देख रहा है,
तो हम ज़्यादा किसी के नफ़ा नुकसान में अपना वो नहीं रखते हैं, और हम ऊपर वाले विश्वास करते हैं। अगर हमने अच्छा किया है तो ऊपर वाला साथ देगा, और हमने अच्छा नहीं किया है तो निश्चित हमारे साथ वो अन्याय करेगा। ये कार्यक्रम, ये दौरे आपके लगातार जारी रहेंगे? लगातार, हम हमारी पत्नी भी लगातार दौरे कर रही हैं, पुष्पा भाभी, और हम भी लगातार, वो ही हमें और रोज़ कहती है कि तुम घर में बैठे हुए सब घूम रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? तो हमने कहा चलो भैया हम भी सुबह से निकल रहे हैं, तो ये उनकी डांट जो पड़ी है उसी वजह से आज हम क्षेत्र में निकले। धन्यवाद, ठीक।